नाज़रीन, मैं यहाँ से ये बुलंदी पे जा रहा हूँ और देखें इसमें काफ़ी ऊंची नीची ज़मीनें हैं और इसे देखें कुछ खूब मैं तलाश करता हूँ। इन पत्थरों के अंदर अमूमन कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। शाबाश, नहीं नजर आ रहा। ओहो, हसीन कलर आया, खूबसूरत। जहाँ ऐसे कलर पाए जाते हैं उसका मतलब है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे किस्म के पत्थर मिल सकते हैं और ट्रांसपेरेंट भी मिल सकते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट भी, नॉन ट्रांसपेरेंट भी। ये देखें, इससे आगे मैं जा रहा हूँ, देखें खूबसूरती अल्लाह ताला की। ये देखें आप, क्या खूबसूरत और हसीन कलर है। ये देखिए, ये पहाड़ी बहुत खूबसूरत है और इसमें बड़े रंग बिरंगी, ज़्यादातर ब्लैक कलर ज़्यादा इसके अंदर है। ढूंढ रहे हैं, बाज़ औक़ात चीज़ें मौके की मिल जाती हैं। ये देखें, बड़ा ख़तरनाक होता है, बाज़ औक़ात एक पत्थर स्लिप होता है उसके साथ दूसरे पत्थर भी गिरना शुरू हो जाते हैं। ये जा रहे हैं, माशाल्लाह क्या बात है। ये देखें आप, अरे वाह, क्या जबरदस्त चीजें मिली हैं। ये चीज़ें इस तरह से मिलती हैं, बताएं। ये देखें, मैं ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ सारा खोदता हुआ चला रहा हूँ और आने के बाद देखें इस पहाड़ी के अंदर ये जगह मुझे मिली है जिसके अंदर एक ये पीस नज़र आ रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त पीस है। ओहो, क्या बात है। कलर देखें, हुसन देखें, ऐसी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत कम शादो नादार ही मिलती हैं। और आज आने की पूरी मेरी मेहनत स्वार्थ हो गई, इसका आधा पीस अंदर ही बाकी, मेरा ख्याल है क्या है ये, लेकिन बड़ा शाहकार और उम्दा पीस मुझे मिला ये। हाँ शाबाश, ज़बरदस्त। और मुझे उम्मीद है यहाँ कुछ ना कुछ और नहीं मिलेगा। ओहो, ये बड़ा मसला है कि एक को हटाओ तो पूरा पहाड़ हाथ में आ जाता है। ये देखें, सारा पहाड़ में जो है इस वक्त गिरे चला रहा है। इसको तो मैं यहाँ संभाल के रख लूँ अपने जेब में, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है कि सारी चीज़ें सर के ऊपर आ जाती हैं। नाज़रीन, ये पीस मुझे मिल गया है और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ मज़ीद चीज़ों की तलाश में। ये आपने देखा है, ये पीस ये भी बड़ा अच्छा है, ये साथ लेके जाने के लायक है। इसमें और भी चीज़ें हैं जो भी, असल में टाइम काफ़ी हो चुका है। ये देखो, ये संभालना पड़ता है ना मुझे, जब कोई अच्छी चीज़ निकल जाती है तो मैं बड़ा बेकाबू हो जाता हूँ। ये देखें, ये रहा है कला। ये देखें, ये गया नीचे। इस तरह से लेयर बनी हुई होती हैं और इसी को मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, ऊपर चलता चला जाता हूँ और फिर जहाँ मुझे जजमेंट होता तो वहाँ खुदाई करता हूँ अपने हाथ से। और फिर उसमें आप देखें ना, इन बेकार पत्थरों के अंदर भी कलर मौजूद है। ये देखें, वो नज़र आ रहे हैं सामने। नाज़रीन, ये आज की वीडियो आपके सामने हाजिर है, इसको आप देखिए। और इसमें से मैंने पत्थर निकाल लिए, निकाल के अभी मैं अपने उस बैग के पास जा रहा हूँ जहाँ, ये देखें चलो, ये पूरी देखें, बैग के पास जाऊँगा, चीज़ें ढूंढ के निकाल के फिर वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है मेरा। ये देखें, आज मेरा आना काफ़ी स्वागत हुआ है क्योंकि मेहनत की, जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट मिला है। ये आ गया मैं यहाँ पर।
ये अपनी चीज़ें यहाँ रखी मैंने। कलर देखें आप, क्या हसीना खूबसूरत निकला है। वाह, जवाब नहीं, बाल उड़ रहे हैं, धूल मिट्टी और धूप के अंदर हाल ख़राब हो रहा है। लेकिन शाम होने वाली है, मैं रवानगी करता हूँ। सुबह से निकलने के बाद ये वक्त हो गया पूरा दिन, और वो दूर कहीं आपको मेरी एक बाइक भी खड़ी नज़र आ रही होगी, वो नज़र आ रही। सूरज अब डूबना शुरू हो रहा है, असर के बाद असर की अजान है तो मेरे ख्याल हो गई होंगी, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या टाइम हुआ है। नाजी, मैं आपसे मुखातिब मोहम्मद आसिफ इंतखाब नगीना। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को आगे तक शेयर कीजिए। और इस वीडियो को जो भी आप देखा करें तो आखिर तक, एंड तक देखा करें, ताकि उसमें यह हो कि आपको पता चले कि मैं इनमें बता क्या रहा हूँ आपको, इसका बनाने का हासिल क्या है। इससे बनाने का मकसद ये देखें, मकसद बनाने का हासिल यही होता है कि हमारे मुल्क के अंदर मादनियात की कोई कमी नहीं है। सिर्फ मेहनत, जस्तजू, जद्दोजहद कीजिए तो यकीन करें आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। मादनियात के हवाले से ये देखें, बैठे बैठे चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ। जगह एक अलग अलग रंग ढंग अलग ही रखते हैं। चलें अच्छा, मैं सामान अपना समेट के फिर निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। 0300-230-6177 मेरा मोबाइल नंबर है, PTSL 3668-3990 है, YouTube चैनल इंतखाब नगीना सिंस 1984, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और मेरी तमाम जितनी भी मूवीज़ अब तक बना चुका हूँ सबको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, तो इसको आगे बढ़ाइएगा। और मज़ीद कोई मालूम हासिल करना हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसी वीडियो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद दिखाते रहेंगे और बनाते रहेंगे।